हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे चल रही है छोले बनाने की तैयारी। छोले उबाल के रख लिए हैं और आज चाय की पत्ती भी इसी में बांध के उबाल दी थी। और इसमें अब छोक रही है दीदी, टमाटर कद्दूकस कर दिए हैं मैंने। शिया मांग रही फोन। शिया क्या मांग रहे हैं आप? फोन। क्यों? क्या देखना है आपको? रामपाल। रामपाल देखना है इसे। कैसा लगा रामपाल आपको? अच्छा। कौन है वो रामपाल? हीरो। 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 नोटी। धनिया डाल दिया है इसमें, अमचूर। नमक चेक कर लो, फिर भी गिरना तो पड़ेगा ही। नहीं, पानी नहीं गिरा ना, सब टाइम से साफ सफाई। चीनी बड़े डिब्बे में घल जाएगी इसमें दाने, नहीं तो टंकी में ही गिरनी पड़ेगी फिर। निकाली रायते के लिए दही और चावल भी भिगो के रख रखे हैं। यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रख रखे। चावल बनाने के बाद फिर थोड़ी सी रोटियाँ बनानी पड़ेंगी, जल्दी काम हो जाएगा। बच्चे जो है छोलों के साथ पूरी या चावल ही खाना पसंद करते हैं। तो गर्मी हो रही थी, जैसे वैसे मौसम अच्छा भी हो रहा, हवा चल रही, पर गर्मी भी है, तो हमने सोचा हम चावल ही बना देंगे। अभी इन्हें अच्छे से खदकने के लिए छोड़ देंगे इस पे ही। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे पास डॉली ने भेजी है आप सबके लिए। देखिए उसका बेटा किस तरह से इंजॉय कर रहा है। आज थी उसकी हॉलीडे, तो घर पे पूरी मस्ती कर रहा है, क्योंकि उसकी बड़ी मम्मा भी गई हुई है, गांव से कोई जाता है। लेके आओ आप अपनी गाड़ी, ऐसे घुमाओ। ये 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 ओ ट्रक पलट गया। क्या कर रहे हो आप? दो पैर जो मैंने छोले उबाले थे उनमें आलू एक्स्ट्रा हो गए थे, तो मैंने आलू निकाल लिए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आलू दम बना के देख रही हूँ। यहाँ पे आलू मैंने अच्छी तरह से भून लिए हैं, मतलब चाकू से इन्हें ऐसे बीच में छेंक करके और फिर इस पे तवे पे ही तल दिए हैं। बहुत ही अच्छे हो गए हैं, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, टिक्की जैसी। और ये प्याज है थोड़ी सी जो मैंने इस तरह से निकल ली है, और अब जो है ना भून रही हूँ। जीरा डाल दिया, हल्की सी अजवाइन, कसूरी मेथी, बाकी मसाले ऐड करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फैटी हुई इसमें दही डाल दी है थोड़ी सी। और अब मैं सोच रही हूँ कि टमाटर कम यूज करूंगी। मुझे जो है पथरी का पैन होता है, आप सब बताना कि पथरी में खानी चाहिए या नहीं टमाटर, प्लीज कमेंट में बताना जरूर आप सब मुझे। तो ये देखिए मेरी सिंपल सी रेसिपी तैयार हो गई है, रोटी बन रही है। तो इसे अब मैं करूंगी सर्व। ये देखिए बच्चों का था एक्टिविटी डे,
पूरा काम खत्म हो चुका है घर का, तो मैं अब करा रही थी बच्चों की हेल्प। आज बच्चों का पढ़ाई का मन नहीं था, वो बोल रहे थे कल हमारा एक्टिविटी डे है तो आप हमारी हेल्प करो। ये जो है चावल चिपकाए हैं हमने इस पर और इनमें कलर कर दिए हैं, बस इनकी थोड़ी हेल्प करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है इन सब कामों में बच्चों की हेल्प करना, तो प्लीज़ बताना जब पूरा दिखाऊंगी पूरा कैसा मतलब बन के लगेगा ये, तो आप बताना प्लीज़ मुझे। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself. ये दिया ने बनाया है, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ये फोटो फ्रेम। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।